हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं मीठापुर मौली एलिवेटेड रोड के बारे में, जो कि लगभग 8 से 9 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है। और अभी ये पूरी तरह से 65% अगर मान लिया जाए तो अप्रोक्स में काम कंप्लीट हो गया है। ये देख सकते हैं, पहले ये जब आप जंक्शन से निकलते हैं तो कुछ पहले नाला हुआ करता था, अब उस नाला को हटा करके एक नया रूप दिया जा रहा है। आप इसे कह सकते हैं कि आने वाले समय में पटना को एक नई राह, एक नई दिशा देने का ये प्रयास किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। तो आइए दोस्तों, कंप्लीट करते हैं पूरे 665 करोड़ के प्रोजेक्ट पे, और क्या इसका काम का रफ्तार है और कैसा यह बन रहा है, सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। फिलहाल उस साइड में आप देख सकते हैं कि पहले जो नाला चौड़ा हुआ करता था उसे एक शेप और साइज में दे दिया गया है ताकि ज़्यादा जगह को कंज्यूम ना करे। फिलहाल ये रास्ता आपको सामने बिजली विभाग है वहाँ तक जाता है, और वहीं पर जाकर के इसे अभी क्लोजिंग दिया गया है। फिलहाल इस पर काम लगा हुआ है, आने वाले समय में देखते हैं कि इसका क्या रणनीति होता है और इसे किस रूप में यूज किया जाता है। हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपके प्यार और मोहब्बत की वजह से इस चैनल पर पूरे तरीके से 4000 फर्स्ट टाइम कम्प्लीट हो गया है, सिर्फ और सिर्फ रह गया है वह है सब्सक्राइबर्स। तो उम्मीद है कि आप जितने भी देख रहे होंगे तो सब्सक्राइबर कम्प्लीट करा ही देंगे, ताकि हम अपने और भी पैशन को नेक्स्ट लेवल ले जा सकें और आपके लिए वीडियो बेहतर से बेहतर ला सकें। तो ज़्यादा दिन ना करते हुए आप इस चीज़ को कंप्लीट करा दीजिए, ताकि मैं अपने आप ब्लॉग को और भी अपडेट करता रहूं आपके लिए। फिलहाल यही जो है मीठापुर बाईपास, जो कि मीठापुर एलिवेटेड रोड को इसी में कनेक्ट करना है। जैसे आप ब्रिज क्रॉस करते होंगे तो आप देखते होंगे कि इधर एक नाला बनाया जा रहा है, तो उसी नाला का उपाय किया जा रहा है, जो कि साइड में पानी जो चल रही है ऐसी छोड़ा जा रहा है, उसको एक जगह से एक साइड से उसको पास दिया जाए, और फिलहाल उसी कप पे काम लगा हुआ है। इधर आगे चल करके बस जो खाली रहता था बस स्टैंड, उस चीज़ को लेकर के बढ़िया से बनाया जा रहा है, और यहाँ से आपका शुरू होता है पिलर। यही मीठापुर घूमते दोस्तों जाओ और पार करते हैं तो आपको इधर सारी चीज़ें जो पहले से है वो कंप्लीट देखेगी, जो कि आपको पिलर का काम। बट अब काम का रफ्तार इतना तेज़ी बढ़ गया है कि अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है असेंबलिंग करने के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि नीचे जो काम है वो भी बहुत तेज़ी से लगा हुआ है, साइड में नाला बनाने का काम और रोड को भर करके उस लेवल पर ले आने का जिस लेवल पर इसे अच्छे तरीके से पीची करना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 65 से ज़्यादा ही हम कह सकते हैं, लगभग 70% के आसपास का काम हो गया है, और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए लगभग 665 करोड़ रुपये लागत लग रहा है। और इस प्रोजेक्ट को इस तरह से मॉडर्न किया जा रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में हो सकता है ये डबल डेकर के रूप में आपको भी देखने को मिले। तो ऊपर के साइड में आपको ब्रिज के अप साइड में हो सकता है कि आपको मेट्रो का क्रॉसिंग भी देखने को मिले। और देखिए कि अब हम थोड़े से ही दूर आगे बढ़े तो हम आ गए यहाँ पर, जो कि हमारा लॉन्चर लगा हुआ है। देख सकते हैं कि हमारा लॉन्चिंग का काम चल रहा है। कुछ हद तक जाएंगे तो इसमें कहीं कहीं गैप दिखेंगी, कुछ कुछ जगह पर देखेंगे कि गैप पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, कहीं कहीं आप देखेंगे कि बाउंड्री का काम लगा हुआ है, कहीं कहीं पर बाउंड्री बाकी रह गई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जिस रफ्तार से काम है तो इसे नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली है कि यह चालू हो जाएगा। मिट्टी जो है वो काट करके उसमें गिट्टी वगैरह डाला जा रहा है, उस साइड पहले नाला हुआ करता था, तो वह एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है कि उसको डाल करके पहले से ही भर भर करके बराबर कर दिया जाए, ताकि पानी वगैरह का मौसम आए तो वो ज़्यादा धंसे ना। और इधर देख सकते हैं कि साइड में नाला बनाया जा रहा है, और इसे पैलर के साइड में जस्ट थोड़ा सा बगल में से बाउंड्री भी दे दिया जाएगा, ताकि रेलवे का जो गिट्टी है वो इधर उधर ना छटके ना जाए। इधर देख सकते हैं कि बाउंड्री भी लगभग बन ही गया है, कहीं कहीं बाउंड्री बन गई है तो कहीं कहीं गैप छोड़ दिया गया है, तो शायद उसमें कुछ पाइप वगैरह रोड वगैरह डालना होता है तो उस चीज़ के लिए छोड़ा हुआ है, सो तार का क्रॉसिंग भी होता है। तो इन सब ओवरऑल देखा जाए तो अच्छे खासे किलोमीटर के डिस्टेंस आप तय करेंगे तो आपको ये ब्रिज कम्प्लीट होता हुआ दिखेगा। कुछ कच्चे सामग्री भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि नाला बन रहा है तो ये सब सारी चीज़ें ओबियसली से आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे आकर के ब्रिज होता है इसका एंड, और इधर आगे बढ़ा नहीं है, शुरू से यहीं है, तो देखते हैं कि यहाँ से आगे कब बढ़ता है। फिलहाल इधर आपको रोड के कंस्ट्रक्शन दिखेंगे, जो कि
आपको वही स्लो में अभी कहीं कहीं भरा जाएगा तो कहीं बराबर किया जाएगा तो कहीं भी नाला का ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी लगे हुए आपको देखने को मिलेंगे। और सब कुछ ठीक रहा तो नेक्स्ट ईयर तक उम्मीद है कि आपको एक फेज चालू होने को देखने को मिल जाए, क्योंकि फेज वाइज यहाँ पर स्टार्टिंग होने को आपको दिखेगा। जैसे दोस्तों आप परसा तक पहुँचते हैं तो परसा तक का ये आपको हाल मिलता है जब आप पटना से आते हैं। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और ये दोस्तों मैंने जो शूटिंग करा है वो अभी इजी वन का नया है, मैंने एक्शन कैमरा परचेस किया है। बाकी बताइएगा कि वीडियो की क्लैरिटी क्या है, स्टेबलाइजेशन क्या है, और नहीं अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है इजी वन का, मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप उससे भी जा सकते हैं। तो आप बताइएगा कि क्या ये वाकई में ब्लॉगिंग के लिए ठीक है या नहीं, मैंने लाइव वीडियो डाल दिया है ताकि आप खुद से ऑब्जर्व कर सके। और देखिए यहाँ से जस्ट सामने वो बहुत नज़दीक पे आ गया लॉन्चर, जो सेकंड लॉन्चर है हमारा, मतलब तीन पिलर रह गया, तीसरा पिलर में हमारा लॉन्चर लगा हुआ है और ऑलरेडी ये लॉन्चिंग कर रहा है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये कितना फास्ट और रैपिड तरीके से काम हो रहा है, क्योंकि पूरे तरीके से इस बात प्लान है कि इस चीज़ को चेंज कर देना, और यह एक बहुत ही बिजी रूट होने वाला है। अभी भी इसे माना जाए तो बहुत ज़्यादा बिजी रूट है, तो यह एक बहुत ज़्यादा बिजी रूट होने वाला है, चूँकि ये ही आपको NH-83, NH-82, NH-81 ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करेगा। यहाँ से बिहटा सर मेरा वाला रोड पे कनेक्ट करेगा, गया धोबी रोड का कनेक्ट करेगा, मीठापुर बाईपास को कनेक्ट करेगा जो कि आप बख्तियारपुर तरफ जाते हैं, तो सारी चीज़ों को ये कनेक्ट करने वाला है। देखते जाए दोस्तों सारे काम मैंने हर सारे चीज़ों को पूरे डिटेल में कवर कर रखा है, और ये नाला वगैरह का जो बनना है वो बनेगा ही, और साइड में पिलर भी बनने वाला है। तो सारे चीज़ों को मैंने एक भी वीडियो ज़्यादा कट किया नहीं है, और यही है हमारा आज के इस सब का अपडेट। देखते जाइए और जैसे जैसे वीडियो में बढ़ने देते जाएंगे आपको हर एक चीज़ को क्लियर नज़दीक से देखे जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप सब जल्दी से सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट लेवल पर अपने पैसन को ले जा सकें। और ये पुराना वाला रास्ता जिससे आप कनेक्ट करते थे अपने आप को, जो आपको बाईपास ले जा करके गया के लिए कनेक्ट करता था, देख सकते हो ऊपर काम भी लगा हुआ है। और हम जैसे ही एंड पॉइंट पकड़ते हैं तो ये काफ़ी चौड़ी रोड होने वाली है दोस्तों, लगभग 6 लेन का ये अपडेट होगा आगे चल करके। ये अभी फिलहाल ऊपर 4 लेन के साथ शुरू हो रहा है, तो फिलहाल आने वाले समय में ये 6 लेन कम्प्लीट होता हुआ आपको भी दिखेगा। फिलहाल क्या रणनीति रहता है ये देख सकते हैं कि यहाँ से इसका पिकअप पॉइंट है और लगभग इसे भर करके बराबर कर दिया गया है, देख सकते हैं उस लेवल पर जा चुका है ये, तो यहाँ से इसका पिकअप पॉइंट होने वाला है। तो आने वाले समय में ये बहुत ही तगड़ा साबित होने वाला है ये प्रोजेक्ट। यहाँ पे भी नीचे ब्रिज का काम चल रहा है, जाके क्रॉसिंग है तो नाला देना ही ज़रूरी है, खेती बाड़ी का चीज़ है, तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ों को प्रोजेक्ट को बहुत ही ओवरऑल देखा जाए तो अच्छे तरीके से लगा हुआ है। तो ये है आज का अपडेट दोस्तों, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये है गोविंद सिंह मोहली होल्ट, यहीं तक इसका प्रोजेक्ट है, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।